अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। फायर अवेलेबल का दिन था, यहाँ से हमारा स्टार्ट हुआ। हम निकल गए जुलूसों को देखने के लिए। रास्ते में हमें कुछ जुलूस मिले और एज़ यू नो कराची और मुल्क के दीगर शहरों में बहुत रश होता है। ये एक जुलूस जा रहा था जिसमें हम लोग भी चल दिए, फिर आगे से ही जुलूस अलग हो गया, फिर हम अपने रास्ते चल पड़े, फिर हम हाईवे से होके अपने घर तक आए। और रास्ते में बहुत चीज़ें बची, बहुत कुछ यानी कोई ऐसी चीज़ नहीं है बच्चों की जो ना बची है, लाइक हर तरह की चीज़ें मिलती हैं। और लोगों की अकीदत और एहतराम इतना ज़्यादा है कि कराची शहर में बेसिकली बहुत ज़्यादा है चीज़ें बांटना, ट्रक करवाना, उसमें पाकोला बांटना, बहुत मतलब समझे कि ये एक ईद का मौका है, लाइक इस तरह। फिर इसके बाद हम और आगे बढ़ते गए, शहर के घर और बच्चों को हमने तैयार किया, फिर हम वापस निकले शाम में और सबके शूट्स वगैरह किए, पिक्चर्स ली, फिर किधर अपने आप को खिंचू कर रहे थे, बहुत अच्छे लग रहे थे उसके लिए। और बार बार अपने आप को प्यार कर रहे थे, हमें इतना प्यारा लगा। यहाँ रास्ते में हमने भी कुछ चीज़ें बांटी, कुछ लोगों ने हमें भी बांटी। ये करते करते रात हो गई ऑलमोस्ट, फिर रात को हमने एक अच्छा सा डिनर किया और आगे और आगे आगे रश बहुत था। जस्ट आप अगर न्यू टाउन की साइड घूमें तो वहाँ पे इतना रश होता है कि आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। फिर चलते चलते रात हो गई, रोशनियाँ इतनी हस्ती थी कि आई थिंक के बाहर ममालिक के लोगों को देखना चाहिए। और आई होप सो कि वो लोग ज़रूर मिस करते होंगे जो यहाँ से बाहर मकीन है पाकिस्तानी, वो ज़रूर पाकिस्तान के इस इवेंट को मिस करते होंगे, क्योंकि ये दो ईदों में से तीसरी ईद अगर इस वक्त कहा जाए तो ये कुछ बुरा नहीं है, क्योंकि ऐसा फैक्ट है। आप लोगों की अकीदत देखें, उनका एहतराम देखें, बहुत रात को देर तक कराची शहर में इसी तरह बढ़ रहा था, बर्गर, आइसक्रीम, कौन सी ऐसी चीज़ थी जो मिलती है। और हमें भी बहुत सी चीज़ें मिली, हमें भी बहुत सी चीज़ें थी और बहुत मज़ा आया। मतलब बारह के लेवल का इवेंट बेसिकली बच्चों के लिए बहुत हल्के यादें रखता है, लाइक असल वो होता ही बच्चों का, क्योंकि असल सच्ची अकीदत बच्चों में ही होती है, जो आजकल बड़ों में बिल्कुल नहीं। फिर हम आ गए अपने घर की साइड, वहाँ हम बहुत ज़्यादा खड़े रहे क्योंकि रश इतना ज़्यादा था। फिर हमने एक बहुत यम्मी सा डिनर किया, मैंने लावा बर्गर मंगवाया था जो कि बहुत यम्मी था। दैट सिज़लिंग माय बर्गर, इट्स जस्ट सो यम। और इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी, इसका आई मीन इसकी प्राइस भी बहुत अच्छी थी, इसकी जो आप टेस्ट अगर करें ना तो बहुत ही अच्छा था। फिर हम वापस से गली से निकले जहाँ बहुत अच्छे डेकोरेशन था और फाइनली हम अपने घर को पहुँचे और यहाँ पे हुआ व्लॉग का एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।